किसी का डाउट्स, अच्छा तुम लोगों में से किसी का डाउट्स हो सकता है टीवीएस में, और हो सकता है वो डाउट अभी इसी में क्लियर हो जाए, क्योंकि मैं उसी टॉपिक को दोबारा दोबारा तो मतलब उसी टॉपिक को अभी मैं करवाने वाला हूँ जिसका नाम रेंज है, ठीक है? तो चलो नहीं जा रहे सर। हाँ बोलो सर, मैंने कल आपको आपके उस डाउट वाले नंबर पे एक क्वेश्चन भेजा था, आपने शायद अभी तक देखा नहीं है। आप किसका है, रेंज का ही है या? सर नहीं, ये अलग क्वेश्चन है, अभी सॉल्व नहीं चाहिए, पर आप अगर बाद में उसका सलूशन भेज सकते हैं तो ठीक है, मैं भेज दूंगा, रुक जा, ठीक है दूंगा। चलो रेंज में ही आ जाए, कहीं पे डाउट होगा तो बोलोगे रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो पहला ट्रिक है वो कहता है कि मेकिंग परफेक्ट, मेकिंग तुम परफेक्ट स्क्वायर बना के कई बार रेंज निकाल सकते हो। जैसा अगर मैं तुमसे पूछूंगा फाइंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस थ्री कॉस एक्स, यस कॉस टू एक्स प्लस थ्री कॉस एक्स, ठीक। तो तुम यहां पे एंगल एक्स है, यहां पे ट्वाइस एक्स है, तो तुम्हारे दिमाग में कुछ आ रहा होगा कि तुम कॉस ट्वाइस एक्स को कुछ लिख सकते, तुम cos twice x को क्या लिख सकते हो, टू cos square x माइनस वन। तो इससे f of x कैसा दिखा, f of x दिखा टू cos square x माइनस वन प्लस थ्री cos x, थोड़ा सजा के अगर लिख दूं तो टू cos square x प्लस थ्री cos x माइनस वन। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का ट्रिक क्या है, क्योंकि कल कईयों को डाउट हो रहा था उस वाले बैठे, मुझे लगा तो मैं नीचे वाले जगह में दिखा रहा हूं। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का ठीक देखो ये है, जब जब भी कोई भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो यहां से हर समय ए कॉमन ले लेना, लाइफ थोड़ा आसान हो जाएगा। ए अब तुम्हारा मेन एम है कि तुम एक्स स्क्वायर के साथ टू ले आओ, साथ में एक वाई ले आओ और साथ में एक एक्स ले आओ, क्योंकि ये टर्म जब तुम्हें दिखता है तो एक एडिशनल टर्म वाई स्क्वायर डालने से ही एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। तो अगर मैं टू लेके आऊं तो प्रॉब्लम यहां पे है कि ये बी बाय ए है, इसलिए ये बी बाय ट्वाइस ए हो जाएगा इन टू एक्स, ये मेरे लिए वाई का काम करेगा, तो इसका स्क्वायर इसे माइनस भी कर दो क्योंकि ये तुमने एक्स, तो एक ए एक्स स्क्वायर है बाहर, तो ए इंटू क्या बी स्क्वायर बाय फोर ए स्क्वायर। ऐसे करने से क्या हुआ, ये वाला जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी एक परफेक्ट स्क्वायर बना एक्स बाय बी ए बाय टू ए का होल स्क्वायर। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है परफेक्ट स्क्वायर बनाना, क्योंकि अभी ट्रिग्नोमेट्री में भी लगेगा, हम बाद में जब क्वाड्रेटिक में जाएंगे तो वहां पे भी लगेगा। सुनाई दे रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है चलो, हाँ क्योंकि मैं और एक सिस्टम में नहीं हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ, पहले कर दू तो मैं ले लूंगा फिर दूसरे सिस्टम से। तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस थ्री कॉस एक्स माइनस वन। तो यहां से क्या कॉमन लूंगा, अब थोड़ा बोलते भी जा बोलोगे तो टू कॉमन ले लेता हूं तो क्या रह गया, कॉस स्क्वायर प्लस क्या थ्री बाय टू कॉस एक्स। अब थ्री बाय टू के लिए क्या करूंगा, टू इंटू क्या कॉस स्क्वायर टू इंटू थ्री बाय फोर कॉस एक्स, तो थ्री बाय फोर का मतलब नाइन बाय सिक्सटीन। तो अब इस चीज को तुम्हें हटाना भी होगा, तो मगर एक टू बाहर है इसलिए ये नाइन बाय एट हो जाए, क्योंकि ये 62 के साथ कैंसिल हो, तो इसका इसका मतलब ये क्या आ गया, कॉस एक्स प्लस कितना 3 बाय 5 का होल स्क्वायर माइनस 17 बाय। पहला काम खत्म, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 में कईयों को डाउट था जो टीवीएस था वो यही था, मैंने लास्ट क्लास दिया नहीं था मगर मैंने क्वेश्चन एक दिया था कि चलो देखो यार बताओ, ठीक है नहीं हुआ तो आज तो बताऊंगा। अब मैं इसका रेंज कैसे निकालूंगा, तो इसका रेंज निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं cos x का तो रेंज जानता हूं, cos x मेरे पास था माइनस वन से लेके वन,
तो cos x प्लस थ्री बाय फोर कहां से कहां तक लाइक है? तो माइनस वन प्लस थ्री बाय फोर से वन प्लस थ्री बाय फोर, तो इसका मतलब माइनस वन बाय फोर इज लेस देन cos x प्लस थ्री बाय फोर इज लेस देन इक्वल टू फोर प्लस थ्री सेवन बाय फोर। अब कल क्योंकि कईयों को डाउट हुआ था उस बैच में, तो हो सकता है कि भूलना एक स्वाभाविक नियम है, तो मुझे इसे स्क्वायर करना है, मगर एक प्रॉब्लम है, मैं फिर नीचे जा रहा हूं देखो। हाँ, जब पॉजिटिव नंबर तुम्हारे पास केवल रहता है तब तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है, तुम डायरेक्टली स्क्वायर कर सकते टू टू जा फोर सीधे जाना है। मगर जब एक नेगेटिव नंबर और एक पॉजिटिव नंबर होता है तब जब तुम स्क्वायर करोगे तो तुम देखोगे कि क्योंकि ये वाला इंटरवल कंटेन करता है जीरो को, इसलिए ए स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू जीरो और इक्वल टू, अगर मैक्सिमम वैल्यू दूंगा तो ये 16 होगा। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ए का वैल्यू तुम्हारे पास माइनस थ्री है, यहां पे जीरो है और यहां पे फोर है, मगर जब तुम ए स्क्वायर करते हो तो ये नाइन देगा, नाइन तो थ्री भी वाला भी देगा, ठीक है, इसलिए नाइन में इनइक्वालिटी नहीं है, इक्वल टू लगाया हुआ क्योंकि थ्री वाला तो पॉसिबल है। जीरो का स्क्वायर क्या देगा? जीरो, और फोर का स्क्वायर क्या देगा? सिक्सटीन। तो क्या हुआ, ये तुम्हारा मिनिमम होगा, ये तुम्हारा क्या होगा? मैक्सिमम। तो तुम्हें ये देखना होगा कि वो जीरो कंटेन करता है। मैथ्स हर समय ऐसा सम नहीं, देखो पहले दिमाग से निकाल लो कि मैथ्स हर समय यही होगा कि फाइव माइनस फोर तो थ्री एक्स इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू वन बाय थ्री, मतलब सोचने का कुछ जरूरत नहीं होता है। मैथ्स ऐसा सम नहीं है, मैथ्स में कई बार तुम्हें सोचना पड़ता है। अब जिस लेवल में तुम सीख रहे हो तो तुम्हें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो तुमने जैसे यहां पे क्या ऑब्जर्व किया, क्या ये जीरो कंटेन कर रहा है? और अगर ये जीरो कंटेन कर रहा है तो इसका स्क्वायर कहां से कहां तक लाइक है, क्योंकि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव वैल्यू, कोई बोलेगा कहां से कहां तक लाइक करेगा? मिनिमम वैल्यू जीरो, मैक्सिमम वैल्यू इससे एफ ऑफ एक्स का वाई का, मतलब मुझे एक एक्स्ट्रा टर्म चाहिए, क्या चाहिए? टू चाहिए और माइनस सेवन बाई एटीन चाहिए, तो डाल दो। अगर टू से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा जीरो से लेके फोर्टी नाइन बाई एट, और अगर स्क्वायर करोगे और साथ में माइनस सेवनटीन बाई एट करोगे तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा माइनस सेवनटीन बाई एट से 49 बाई माइनस 17 बाई, तो वाई कहां से कहां तक आए? माइनस 17 बाई से ये कितना है? 49 माइनस 17 कितना? 32 बाई फोर ना, हैंस तो वाई कहां से कहां तक रेंज आ गया। तो हैंस अगर क्वेश्चन पूछेगा वाई मैक्सिमम क्या है तो फोर, पूछेगा वाई मिनिमम क्या है तो माइनस 17। किसी को लिखना है तो लिख लो, कहीं डाउट है। पहला टाइप है मेकिंग परफेक्ट सर। ये भी तुम्हें ऑब्जर्व करना होगा। हाँ बोल, सुन रहा हूँ। हाँ सर, मुझे लाइन नंबर 20 का मतलब सर वो ब्रेक करना समझ नहीं आ रहा है परफेक्ट स्क्वायर का। नहीं, कॉस स्क्वायर एक्स है। मतलब ए स्क्वायर रहेगा, बी रहेगा, b के बदले क्या करोगी? a स्क्वायर प्लस टू इंटू बी बाय टू करो, ताकि ये तुम्हारे पास, तो इसलिए टू लेके आ गया, साथ में एक थ्री बाय फोर आया, समझ में? ताकि मतलब उसको परफेक्ट स्क्वायर में हम हाँ, ताकि ये तुम्हारे लिए a स्क्वायर का काम कर जाए, ये ट्वाइस ba का काम कर जाए और ये b स्क्वायर का काम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है परफेक्ट स्क्वायर बनाना, मगर प्रॉब्लम है कि इस साल क्लास टेंथ में तुम लोगों के सीबीएसई से ये हटा दिया गया, तो किसी किसी स्कूल में नहीं कराया गया, कहीं कहीं कराया गया, इसलिए किसी को डाउट है तो पूछोगे। हाँ लिखना है कोई,
सर हाँ बोल सर, यहाँ पर 26 लाइन तक जो आपने किया सर, उसको और सिंप्लीफाई तो नहीं करना सर? क्या सिंप्लीफाई करोगे, परफेक्ट स्क्वायर तो बन गया तुम्हारा, ये बन गया तो हो गया। सर थोड़ा नीचे कीजिए सर। चलो आगे। यस सर। यस सर, थोड़ा रुकिए। जल्दी लिखो, 30 सेकंड रुक जाता हूँ। शुरू हो गया। चलो आगे चल रहा हूँ। ये लिखना है क्या किसी को? लिखना है तो लिख, मैं एक मिनट का टाइम दूंगा, जल्दी लिखो। इसका तुम नेक्स्ट क्लास में ऑब्जेक्टिव देखोगे, मतलब एक्चुअली ये पर्टिकुलर सम में तुम डिफरेंशिएशन कहीं कहीं ज्यादा आसान होता है करना। हाँ, आज हम डिफरेंशिएशन थोड़ा सा शुरू करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में रेंज निकालना सीखेंगे, मगर परफेक्ट स्क्वायर सीखना जरूरी है। बाकी आगे लिख लूं? यस सर। तो परफेक्ट स्क्वायर सीखा, उसके बाद सीखोगे रेसिप्रोकल, कि रेसिप्रोकल हर समय नहीं किया जाता। पॉजिटिव नंबर रहने से तुम रेसिप्रोकल कर सकते हो, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है इनइक्वालिटी चेंज कर देना, मगर प्रॉब्लम तब होता है जब इनइक्वालिटी -3 से लेकर 10 तक होता है। क्यों? बिकॉज इट कंटेन्स 0, और 1/0 प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी डिपेंड करता है तुम पॉजिटिव साइड से जा रहे हो या नेगेटिव साइड से जा रहे हो। तो इसीलिए जब भी रेसिप्रोकल, अगर रेसिप्रोकल करना है तब हाँ, क्योंकि जब तुम्हें रेसिप्रोकल करना है तो एक चीज क्लियर है कि ए 0 नहीं हो सकता है, इसलिए -3 से लेके ए को 0 तक लेके जाओ और एक बार 0 को ए को 10 तक लेके जाओ। तो 1/ कहां से कहां तक लाई करेगा, क्योंकि ये नेगेटिव साइड में है तो 1/0 यहाँ पे -∞ देगा और ये क्या देगा -1/3,
और यहाँ पे वन बाय क्या देगा, क्योंकि ये पॉजिटिव साइड में है तो वन बाय जीरो जब तुम लोगे तो ये क्या देगा प्लस इंफिनिटी, और ये क्या देगा वन बाय टेन, मतलब वन बाय कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। टीवीएस में एक सम था मेरा, अगर तुम्हें याद होगा जिन लोगों ने टीवीएस सबमिट किया, ठीक है, तो किसी को ये लिखना है तो लिख लो, फिर एक सम भी करवा, थोड़ा जल्दी लिखोगे। सर हाँ बोल सर, वो लाइन नंबर 11 और एक बार समझा सकते हैं क्या, क्योंकि जब तुम जब 1/0 को रेसिप्रोकल करते हो तो 1/0 का वैल्यू क्या होता है मुझे बोलेगा, मतलब इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी, नहीं वही दिमाग से उसी चीज को तुझे निकाल के फेंकना है कि वो गलत है इंफिनिटी नहीं, वो डिपेंड करता है कि जीरो किस डायरेक्शन में, अगर तू जीरो नेगेटिव साइड से जाएगा तो ये 1/-infinity देगा, नेगेटिव साइड से समझ में आया, अगर इस साइड से जीरो में जा रहा है, और अगर पॉजिटिव साइड से जाएगा तो सर इंफिनिटी होगा, तो इंफिनिटी। ये हम लोगों ने जब फंक्शन किया था तब भी देखा था, तो मेरा वही कहना है, समझ में आया, मतलब प्रॉब्लम कहां है मैं ये फिर से कह रहा हूं कि सर ये सब ऐसा नहीं लगा, कैसा सर 3x + 4 = 5, 3x = 5 - 4, 3x = 1, हाँ ऐसा लाइफ में हर समय मैथ्स ये नहीं है, मतलब तुम्हें ऑब्जर्व करना पड़ेगा, अगर जीरो कंटेन कर रहा है तो तुम्हें एक नेगेटिव साइड लेके जाना होगा पॉजिटिव साइड, उसके बाद मेरे ख्याल में चीजें आसान है, जब तुम नेगेटिव साइड को रेसिप्रोकल करोगे तो 1/0 तुम्हें माइनस इंफिनिटी देगा, और जब तुम पॉजिटिव साइड को रेसिप्रोकल करोगे तो वो तुम्हें प्लस इंफिनिटी देगा। आगे निकलूं, चलो फाइंड रेंज ऑफ, सुनने में आ रहा है? यस सर। Find range of f(x) = 1/2 - 5 cos x. शुरू करूं, मेरा कहना है कि जब ऊपर अगर वन है तो वन के बारे में क्यों चिंता करते हो, चिंता केवल इसी के बारे में करो ना, रेसिप्रोकल कर लेना, मतलब ऐसे में मैं 1/2 लिखना ज्यादा पसंद करता हूं, और अब मैं a का रेंज निकालूंगा तो 2 - 5 cos x कहां से कहां तक लाई कर सकता है, नो डाउट तुम उसे क्या बोलते हैं रेसिप्रोकल बना के कर सकते हो, मगर क्या तुम डायरेक्टली बोल सकते हो a का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? अच्छा सपोज एक एग्जामिनेशन हो रहा है जिसमें तुम्हें नेगेटिव मार्क्स मिलेगा अगर तुम गलत करोगे, तो तुम्हें सबसे कम मार्क्स कब मिलेगा, जब तुम सबसे ज्यादा नेगेटिव लेके जाओगे, हाँ या ना? यस सर। तो ए मिनिमम तभी होगा जब तुम क्या करोगे, माइनस कर रहे हो, इसलिए 5 ऑफ क्या होना पड़ेगा, वो कॉस एक्स का क्या होना पड़ेगा, और कॉस का मैक्सिमम क्या है, कॉस एक्स कहां से कहां तक लाई करता था, तो इसलिए ये कैसा दिखेगा 2 - 5, तो कैसा दिखेगा ये -3, a का मैक्सिमम क्या होगा तब, जब cos x का क्या लोगे, मिनिमम, तो ये कैसा, cos x का मिनिमम क्या था, -5, 6, 7, तो 3, नो डाउट तुम बोलेगे सर आप ऐसे क्यों नहीं किए, cos x -1 से 1 तक, तो -5 cos x कहां से कहां तक, -5 से 5 तक, तो 2 - 5 cos x कहां से कहां तक, -3 से लेके 7 तक, क्या खराबी है, खराबी कुछ नहीं, ये तो तुम जान चुके हो ना, तो ऐसा निकालना भी सिखो ना, हर समय वो बड़ा इनइक्वालिटी लिखने का क्या जरूरत है, तुम्हें मैक्सिमम और मिनिमम ही चाहिए, तो एक कहां से कहां तक लाई कर रहा है, -3 से लेके 7 तक, तुम्हें करना क्या है रेसिप्रोकल, क्या ये जीरो कंटेन कर रहा है, हाँ yes, कंटेन जीरो, क्योंकि ये जीरो कंटेन कर रहा है, क्या डायरेक्टली रेसिप्रोकल कर पाओगे,
यही तो एल्गोरिथम, यही तो इसका एल्गोरिथम याद रखना, यही तो तुम्हें ऑब्जर्व करना है कि अगर वो जीरो कंटेन कर रहा है तो डायरेक्ट रेसिप्रोकल पॉसिबल नहीं है, डायरेक्ट रेसिप्रोकल नहीं होता है, नहीं होता है। तो क्या करोगे, एक बार माइनस सी से ए को जीरो तक लेके जाओगे और एक बार जीरो से लेके ए को सेवन तक लेके जाओगे, तब रेसिप्रोकल करने से क्या आएगा, ये माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस वन बाय थ्री और ये क्या आएगा वन बाय सेवन से लेके इंफिनिटी तक, क्योंकि ये पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव साइड, वन बाय यहां से यहां तक, तो रेंज कहां से कहां तक आया, माइनस इंफिनिटी से माइनस वन बाय थ्री यूनियन वन बाय सेवन से। किसी को डाउट है तो डाउट पूछना हक है। वो टाइमर देना भूल गया था, एक मिनट का टाइमर देना। आगे चलूं, यस सर। चलो आगे, ठीक है, तो समझ में आया रेसिप्रोकल होने से क्या करोगे। जैसे अगर ये समझ दिया मुझे इसका रेंज निकालना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू थ्री टाइम्स ऑफ, आज के जीएमपी में एक ऐसा समय मेरे ख्यालों में वो रेंज नहीं है, वो कुछ और पूछ रहा है। तो यहां पे तो ऊपर कांस्टेंट है, नीचे केवल प्रॉब्लम है, तो इसलिए एफ ऑफ एक्स को क्या ले सकता हूं, अभी मैंने कुछ कहा था एफ ऑफ एक्स को ले सकता हूं थ्री डिवाइडेड बाय क्या ए, तो ए का वैल्यू क्या हो गया साइन टू दी पावर सिक्स एक्स प्लस कॉस टू दी पावर सिक्स एक्स। कोई कहेगा क्या करते थे ऐसे समय, पावर सिक्स है, कोई तो बोल फॉर्मूला, तो वो डालने के लिए स्क्वायर में लेके चले जाएंगे, क्या करेंगे साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब प्लस क्या कॉस स्क्वायर एक्स का होल, क्योंकि इससे फायदा ये होता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला तुम जानते हो, ए प्लस बी होल क्यूब माइनस फाइव ए बी इंटू ए प्लस, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब माइनस, सुनाई दे रहा है या आवाज कट रहा है, पहले को ये बोलेगा फिर मैं ब्लूटूथ माइक नहीं, ठीक है, मैं इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो इससे क्या फायदा हुआ, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू वन है, तो वन माइनस थ्री साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब साइन एक्स कॉस एक्स देख के दिमाग में क्या क्या कोई फॉर्मूला आता है साइन एक्स कॉस एक्स, जैसे ये दिमाग में आता है तो ए का वैल्यू क्या हो गया वन माइनस थ्री साइन ट्वाइस एक्स बाय टू का होल स्क्वायर, मतलब ये कैसा दिखा वन माइनस थ्री बाय फोर कैसा साइन स्क्वायर ट्वाइस एक्स,
तो अब मुझे शुरू करूं साइन स्क्वायर ट्वाइस एक्स, तो साइन स्क्वायर ट्वाइस एक्स कहां से कहां तक बिलोंग करता है? अब मुझे नहीं, ये ऐसा नहीं, डायरेक्टली हम देखेंगे ए का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ए का मिनिमम क्या होगा जब साइन स्क्वायर ट्वाइस एक्स मिनिमम हो। साइन स्क्वायर ट्वाइस एक्स कहां से कहां तक बिलोंग कर सकता है? स्क्वायर है तो जीरो से शुरू होगा और वन तक जाएगा, इसलिए इसका जीरो होने के कारण ये वन जाएगा। ए का सॉरी ए का मिनिमम तो मैंने गलती लिखा, ए का मिनिमम माइनस है, मैंने ध्यान नहीं दिया माइनस है, हाँ तो ये क्या होगा मैक्सिमम, तो वन माइनस थ्री बाय फोर मतलब वन बाय फोर ए का मिनिमम। तो ए का मैक्सिमम क्या हो गया? ये तब होगा जब साइन स्क्वायर ट्वाइस एक्स मिनिमम होगा, क्योंकि माइनस है इसीलिए, हाँ प्लस होने से मतलब मैक्सिमम मैक्सिमम होता मिनिमम, ठीक है मिनिमम के लिए तभी यहाँ पे भी इस साइड भी मिनिमम। तो ये वन माइनस, किसी को डाउट है तो बोलेगा, किसी को डाउट है तो बोलेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ ठीक है। जब मैं पास ईयर आर्ट साइड तुम लोगों को हो सकता है कि दे दूं अभी, तो तुम्हें इस टाइप के सम्स मिलेंगे, बस डिफ्रेंसिएशन एक बार सिखा दूंगा तो वो दे दूंगा पास ईयर आर्ट साइड तुम लोगों को। तो ए मिनिमम वन बाय फोर है, ए मैक्सिमम वन है, तो ए कहां से कहां तक लाई कर रहे हैं? वन बाय फोर से लेके वन, और बिंदास होके सीखो ना। नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें कह रहा हूं, मैं जब डिफरेंशिएशन दूंगा तो ये सब नहीं करने वाले, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके आंसर निकाल लोगे, तीन स्टेप में आंसर निकले। तो इसलिए तो आराम से सीखो कि हाँ एक नया चीज सीखना है, मगर इसका ज्यादा यूज अभी नहीं है, मगर जानना जरूरी है। अब मुझे थ्री बाय ए लेना है, क्या यहाँ पे कोई पंगा है? जीरो कंटेन कर रहा है ये? नहीं, तो तुम डायरेक्टली रेसिप्रोकल कर सकते हो, कहां से कहां तक लाई करेगा? वन से लेके फोर तक, तो थ्री वाई कहां से कहां तक लाई करेगा? थ्री से लेके ट्वेल्व तक, तो इसलिए इसका रेंज क्या हो गया वाई का? थ्री से ट्वेल्व, किसी को डाउट है तो बोलो, नहीं तो लिख, डेढ़ मिनट का टाइम देता, डाउट हो सकता है, डाउट होना गलत नहीं। सर थोड़ा नीचे कर दीजिए ना। आगे चलूं? बोल देना। हाँ ऐसा नहीं है कि इसको यूज तुम केवल यहीं पे करोगे, इसको तुम देखोगे क्वाड्रेटिक में भी यही छोरी लगने वाला है। आगे निकलो। हाँ अब और एक टाइप, हर समय नहीं, एक पर्टिकुलर टाइप, इफ न्यूमरेटर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर, ये हर समय नहीं हो सकता, जब नहीं होगा तो ये नहीं लगेगा। जैसे अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि इसका रेंज निकालो, टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस टू साइन एक्स
प्लस वन डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस वन। तो अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, मैं दोबारा कह रहा हूं, तब वाई को तुम लिख सकते हो, ये ऑब्जर्वेशन करना होगा, प्लस टू माइनस वन डिवाइडेड बाय, क्यों ये लिख के क्या फायदा हुआ, क्या कुछ फायदा हुआ? अगर तुम इसे अलग अलग कर दोगे तो क्या होगा, टू मिलेगा, माइनस वन बाय क्या, समझ में आया? इस वाले में और इस वाले में अंतर किया, यहां पे वेरिएबल ऊपर भी है और नीचे भी है, मगर यहां पे केवल वेरिएबल कहां पे है, नीचे नीचे। अगर वेरिएबल केवल नीचे है तो इसका मतलब है कि तुम सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, अब तुम केवल एक के ऊपर ही कंसंट्रेट करोगे, किसके ऊपर? और ये अब मैं करूंगा नहीं, क्यों? मुझे लग रहा है ये थोड़ी देर पहले मैंने कराया था, कोई बोलेगा इसे कैसे सॉल्व किया था, कौन से टाइप में गिरता है ये? परफेक्ट स्क्वायर वाले टाइप में गिरता है, बना के देख लेना, मैं उसमें इंटरेस्ट हूं। तो उसके बाद रेसिप्रोकल कर लेना, माइनस प्लस कर देना, ये विल गेट आंसर, किसी को लिखना है तो लिख। आगे चलो, यस, सॉल्यूशन एग्जिस्ट ओनली इफ their range has some intersection point. Sir, matlab bata. Ekdam chota sa ek example deta hu. Suppose ek park mein main jata hu. Monday, Tuesday aur Wednesday. और तुम एक पार्क में जाते हो फ्राइडे, सैटरडे और संडे। मैं अगर तुम्हें बोलूं कि तुम मुझे ये जो किताब है मुझे पार्क में दे देना, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तुम मुझे किताब नहीं दे पाओगे। रीजन क्या है? तुम बोलोगे सर एकदम बेवकूफा वाला सवाल पूछ रहे हो, आप वेडनेसडे तक जा रहे हो और मैं फ्राइडे से शुरू कर रहा हूं। मगर वही अगर मैं बोलूं कि मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे और थर्सडे मैं पार्क जाता हूं और तुम वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे पार्क जाते हो, तब क्या मुझे बुक दे पाओगे? एकदम घटिया सवाल पूछा, मुझे बस हाँ या ना में आंसर चाहिए। yes, हाँ दे पाओगे, क्यों? क्योंकि तुम जान रहे हो कि इंटरसेक्शन होता है। इसका मतलब है कि सॉल्यूशन तभी पॉसिबल है जब इंटरसेक्शन होता है। जैसा अगर मैं तुमसे कभी बोलूं कि सॉल्व करो, क्या साइन थीटा इज इक्वल टू फाइव, क्या ये सॉल्व होगा तुम? नहीं होगा ना रे, क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि लेफ्ट हैंड साइड का रेंज कहां से कहां तक, साइन थीटा कहां से कहां तक लाई कर सकता है, तो इसलिए ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या हो रहा है? आउटसाइड रेंज, तो क्या नो सॉल्यूशन? जैसे अगर मैं पूछूंगी फाइंड थीटा एंड एक्स सच दैट 3 sin theta is equal to x square plus twice x plus 10.
तो एक साइड में एल्जेब्रिक है, एक साइड में ट्रिग्नोमेट्रिक है, ऐसे को सॉल्व करने का तरीका या तो ग्राफिकल होता है और या तो ये रेंज निकालना होता है। नॉर्मली इसे सॉल्व करने का तुम्हें एल्जेब्रिक कोई तरीका नहीं मिले, देखना पूरे ये 1.5 साल तुम उल्टा के देखना, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी एल्जेब्रिक। ग्राफिकल तो अभी तक बताया ही नहीं है निकालना। क्या तुम इसका रेंज निकाल सकते हो परफेक्ट स्क्वायर बना के? जब मैं राइट हैंड साइड को देख रहा हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 10, ट्वाइस एक्स के बदले क्या लिख सकता हूं, सॉरी 10 के बदले 1+9 लिख सकता हूं, क्या फायदा? होल स्क्वायर क्या कभी भी नेगेटिव होता है? नहीं होता है। तो 9+x+1 का होल स्क्वायर है, समय किससे बड़ा होगा? क्या ये समझ में आया? यस सर। और राइट हैंड साइड कहां से कहां तक लाई कर सकता है बोलोगे तो? लेफ्ट हैंड साइड 3 sin थीटा कहां से कहां तक लाई कर सकता है? -3 और 3 से। तो तुम क्या बोल रहे हो, क्या दोनों में कोई इंटरसेक्शन हो रहा है? क्या सॉल्यूशन पॉसिबल है? लेफ्ट हैंड साइड हसम है 3 से बड़ा, राइट हैंड साइड हसम है 9 से बड़ा, क्या बोलोगे, सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन? नो सॉल्यूशन। क्या ये दोनों कभी भी इक्वल हो सकते हैं? कभी नहीं इक्वल हो सकते। तो हैंस यहां से मुझे पता चला क्या, नो सॉल्यूशन एक्सिस्ट। तो कभी कभी ऐसा भी काम करना पड़े, लिखना है तो किसी को लिख लो फिर। सर हाँ बोल सर, एक बार वो 17 वाला लाइन एक बार फिर से समझा दीजिए ना, राइट साइड वाला, ये पूरा? यस सर। ये देख के तुझे परफेक्ट स्क्वायर लग रहा है? केवल ये टर्म देख, ये रेड वाला देख। यस सर। परफेक्ट स्क्वायर बना सकता है क्या एक्सपेक्ट? इसे किस चीज का जरूरत है? ये समझ में आया? 10 से 1 इसको दे दिया, ठीक है? यस सर। तो ये मेरे पास आ गया x+1 का होल स्क्वायर प्लस 9। x+1 का होल स्क्वायर क्या कभी भी नेगेटिव होगा? नो सर। अगर x+1 का होल स्क्वायर हर समय 0 से बड़ा होगा तो x+1 का होल स्क्वायर प्लस 9 हर समय किससे बड़ा होगा? यस सर, 9 से बड़ा होगा। इसका मतलब यही तो राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड हर समय किससे बड़ा हो? 9 से। और लेफ्ट हैंड साइड हर समय किससे छोटा होगा? 3 से। तो क्या ये पार्क में कभी भी मिल पाएंगे? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कभी भी मिल पाएंगे? नो सर। कैसे मिलेंगे, एक हर समय 9 से बड़ा, एक 3 से, ये पॉसिबल नहीं। आया समझ में? यस सर। ठीक, आगे निकलो। Yes. एक फॉरेन टॉपिक है AMGM इनइक्वालिटी। मैं अभी फैक्ट के टर्म में दे रहा हूं, प्रूफ हम लोगों ने लॉग में किया था, ठीक है? अभी फैक्ट की तरह याद रख सकते हो। नंबर 1, अगर A पॉजिटिव है तो एक नंबर अगर उसके रेसिप्रोकल से ऐड होगा तो वो हर समय 2 से बड़ा होता है। प्रूफ बड़ा सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाए, होल स्क्वायर बन जाता है, खेला खत्म। नंबर 2, अगर ये नेगेटिव है तो a+1/a हर समय -2 से छोटा हो, और अगर a और b पॉजिटिव है तब a+b जो है ये हर समय 2√ab से बड़ा। जैसे इसका क्या यूज बताता हूं,
सॉल्व. साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर. इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा. क्यों? क्योंकि तुमने देखा एक नंबर उसके रेसिप्रोकल के साथ. मतलब हो सकता है कि तुम्हें जानबूझ के सम ऐसा दे कि x टू पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, ताकि तुम सोचने में मजबूर हो कि क्या करना है. तो ऐसा जब देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, मगर जब अलग अलग कर दोगे तो ये आएगा. ये कौन से टाइप में गिर रहा है, कोई मुझे बोलेगा? पहले वाले में, दूसरे वाले में, या तीसरे वाले में? ये वाला. इसे हम लोग कहते हैं सम एंड इट्स रेसिप्रोकल पॉजिटिव के लिए. तो तुम्हें अगर यहां पे सम और उसका रेसिप्रोकल मिला तो तुम राइट हैंड साइड बोल सकते हो किससे बड़ा हो? टू से. तो राइट हैंड साइड हमें टू से बड़ा हो. साइन एक्स लेफ्ट हैंड साइड है, क्या होगा ये हमें किससे छोटा होगा? वन से. तो अगर लेफ्ट हैंड, देखो मैं फिर से कह रहा हूं, ये देने के बाद भी अगर तुम मुझे ये नहीं बोल पा रहे हो टू से बड़ा होगा, ठीक है, तो ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि मुझे नहीं समझ. बस मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा बोलूंगा. ये देने के बाद भी अगर तुम प्लस गेट निकल तो खराब एंड्रेस में सिखा. क्योंकि ये कुछ ऐसा है कि अगर मैं बोलूं एक सर्कल का मतलब एक ट्रायंगल है, तो दो सर्कल का मतलब क्या होगा? तो दो ट्रायंगल होगा. तुम लोग नहीं, सर सर्कल ट्रायंगल कैसे हुआ ये मुझे समझ में नहीं आया. अरे यार ये सीक्वेंस इसका टॉपिक है, मैं तो कह ही रहा हूं अभी फैक्ट की तरह याद रखो. कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन करके सर्कल को ट्रायंगल बनाया गया है वो अभी कोर्स में नहीं है, चिंता क्यों का? प्रोजेक्टिव ज्योमेट्री सीखोगे तो हो सकता है बना. चलो तो लेफ्ट हैंड साइड हर समय वन से छोटा है, राइट हैंड साइड हर समय टू से बड़ा है, क्या सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा? नो सर. नहीं. हाँ या ना? नो सॉल्यूशन. मैक्सिमम टाइम इस वाले समय नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट वाला ही अभी आएगा. सॉल्यूशन एग्जिस्ट वाला जो है वो, क्योंकि उसमें फिर एक कंडीशन देखना होता है कि ए इज इक्वल टू बी वाला, वो हम लोग एपी एएमजीएम में कर लिखना है. चलो सर आप बोलते जाए. सर वो पहला पॉइंट में सर ए स्क्वायर प्लस वन बाय ए स्क्वायर होगा क्या? जरूरी नहीं है ना, मैंने ए को पॉजिटिव कर दिया तो अंदर क्या है? मैंने कहा ए इज नथिंग, ए इज नथिंग. अगर स्टार प्लस वन बाय स्टार होने से भी यही होता, अगर स्टार पॉजिटिव होता. समझ में आया? हाँ सर. तुझे देखना है कि एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल है या नहीं, क्या यहाँ पे वही हो रहा है? हाँ हाँ ठीक है ठीक, समझ गया सर. और मुझे अच्छा लगा, यही मैंने यही कहा देवांजन को, तो ये कंफ्यूजन हुआ कि सर ये ए नहीं है ये एक्स स्क्वायर है, वही तो पूछो ना. यही चीज मुझे, जब मैं पूछ रहा हूँ कि वन लगेगा तभी मुझे रोक दो. सर देखिए ये ए है ये एक्स स्क्वायर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहीं पे रोक दो मुझे, हक है तुम्हारा. आगे चल. निकलूं आगे? यस सर. यस सर. लिख रहे हो? चलो आगे चल. ठीक है. नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ
साइन टू डी पावर एक्स कॉस टू डी पावर एक्स सम लिखो एक बार क्या यहां पे जो मैं नंबर और उसका रेसिप्रोकल लिख रहा है yes, सर कैसे पता चलेगा सर कैसे पता चलेगा हाँ तो तुम्हें वो ऑब्जर्व करना होगा तुम यहाँ पे देखोगे क्या यहाँ पे यू आर गेटिंग नंबर पॉजिटिव नंबर टू टू पावर एक्स हर समय पॉजिटिव होता है एंड इट्स रेसिप्रोकल जैसे तुम्हें ये दिखा नंबर और उसका रेसिप्रोकल मतलब मैं कहता हूं कि मल्टीप्लीकेशन कॉन्स्टेंट होना चाहिए क्या मल्टीप्लीकेशन कॉन्स्टेंट है मल्टीप्लीकेशन कॉन्स्टेंट है हाँ दोनों का तो नंबर एंड इज रेसिप्रोकल तुम्हारे दिमाग में दिमाग की बत्ती जल जाएगी कि ये कौन सा सम है ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू किसका जी एम का मगर यहां पे एक टर्म नहीं है यहां पे दो टर्म क्या ये देख के भी दिमाग में कोई फॉर्मूला आ रहा है आर्गुमेंट सेम है कोई बोलेगा क्या साइन ए कॉस ए देख के दिमाग में क्या आता है साइन ट्वाइस ए बाय टू तो अगर ये फॉर्मूला लगा दूं यहां पे तो साइन ये कैसा दिखेगा सॉरी पेंसिल साइन टू डी पावर एक्स कॉस टू टू डी पावर एक्स दोबारा मैं लिख रहा हूं टू टू डी पावर एक्स प्लस वन बाय टू टू डी पावर एक्स तो कैसा दिखा ये कैसा दिखेगा तब साइन ट्वाइस ए तो साइन 2 into 2 to the power x divided by 2 is equal to क्या 1 by 2 2 to the power x plus 1 by 2 to the power x ये और ये एकदम एकदम recent समय किसी institute के online test में आया था मैंने वहीं से भी उठाया है कि चलो एक सम दिखाता हूं तुम्हें अब मुझे बोलो ये किससे बड़ा होगा प्लीज बोल सकते हो 2 से राइट हैंड साइड 2 से बड़ा क्योंकि नंबर विथ इट्स पॉजिटिव नंबर विथ इट्स रेसिप्रोकल और ये अरे आर्गुमेंट क्या उससे क्या लेना देना है आगे साइन तो कहां से कहां तक साइन अब तो राइट हैंड साइड हर समय किससे लेफ्ट हैंड साइड किससे छोटा हो गया तो लेफ्ट हैंड साइड 1 से छोटा हो गया राइट हैंड साइड 2 से बड़ा हो गया क्या बोलते हो क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड पॉसिबल है नो सर नॉट पॉसिबल एंड नो सॉल्यूशन लिखना है तो सर लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा ना मैंने यही तो मैंने लिखा ना इसे मैंने लिखा नॉट पॉसिबल लाइन एक में सर यस सर ओके टाइमर दे देता हूं एक मिनट आगे चलूं बोल देना टाइम है बस हो गया सर एक मिनट हाँ ठीक है कोई बात नहीं
बोल देना जिसने रुकवाया है। सर हो गया दम। इफ वाई इज इक्वल टू 9 sec square theta + 16 cosec square theta फाइंड वाई का मिनिमम वैल्यू सॉल्यूशन। एकदम बच्चों वाला एक चीज पूछ रहा हूं, ठीक है, बच्चों वाला एक चीज पूछूंगा, ठीक है, और प्लीज आंसर देना प्लीज। हाँ, sec square theta और cosec square theta को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मुझे कोई कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा? sec square theta into cosec square theta, will it give me some something constant? One. देगा या नहीं देगा? नहीं देगा ना, ये तो, क्योंकि ये तो 1/sin² θ cos² θ हो जाएगा। समझ में आया? Yes, sir. या तो ऐसा सोचो कि ये कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट, नहीं तो तुम इसे ऐसा भी सोच सकते हो, अगर आर दे रेसिप्रोकल ऑफ इच अदर, यस और नो? आर दे रेसिप्रोकल ऑफ इच अदर? नो, इच अदर नो, दे आर, ठीक है। तो अब जादू करते हैं, रेसिप्रोकल बनाते हैं, क्योंकि रेसिप्रोकल बनाते ही एएमजीएम आ जाए। sec square theta को मैं 1 + tan² θ लिखता हूं, cosec square theta को मैं 1 + cot² θ लिख देता हूं, और अब अगर मैं सजा के लिखूं तो 9 + 6 = 25 + 9 tan² θ + 16 cot² θ, सेम क्वेश्चन, आर दे रेसिप्रोकल? यस सर। और मैं केवल टेन और कॉट का बात कर रहा हूँ, मैं केवल टेन और कॉट का बात कर रहा हूँ, 9 और 16 कॉन्स्टेंट है, मुझे उससे लेना देना नहीं, ठीक है, क्योंकि कल इसी बात में कंफ्यूजन हो गया था स्टूडेंट को कि सर 9 तो रेसिप्रोकल नहीं है, मैं केवल 9 और cot का बात कर रहा हूँ, ठीक है। यस यस होता है, तुम्हारे दिमाग में क्या एल्गोरिथम आया? एम ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? जी हाँ, तो यहाँ पे तो डायरेक्ट रेसिप्रोकल नहीं है क्योंकि 9 और 16 भी है, तो यहाँ पे ये लगेगा क्या, ए प्लस बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2√a। तो ये इस लॉजिक से मुझे कोई बोलेगा तब 9 tan² θ + 16 cot² θ क्या ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2√ ऑफ क्या? 9 tan² θ। मैं क्यों रेसिप्रोकल ढूंढ रहा था समझ में आया, क्योंकि 10 और 9 cot क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो इसका मतलब तुम्हें क्या मिला? 9 tan² θ + 16 cot² θ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 24। क्या ये y है? नहीं, ये y नहीं है, 25 को इस साइड लेके आ दो, ये y-25 है, मतलब y-25 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 24 फ्रॉम 1, तो y इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 49, 25 इस साइड आ गया। मुझे क्या वैल्यू चाहिए? y का मिनिमम, y हर समय 49 से भरा, तो क्या इससे तो मुझे बोल सकते हो y मिनिमम कितना होगा? आया समझ में? किसी को लिखना है तो, कहीं डाउट है तो, इस चीज को देखो मैंने क्या देखा, ये रेसिप्रोकल नहीं है। सर अगर नहीं होता, सर अगर ये नहीं कर पाते तो? नहीं, अरे मैं 1 घंटे से रेंज का अलग अलग तरीका दे रहा हूं, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्विंग, जैसे इक्वेशन को सॉल्व करने का अलग अलग तरीका होता है, वैसे ही यहां पे रेंज निकालने का अलग अलग तरीका है। याद रखना हर समय कि सर ने ऑलमोस्ट लास्ट क्लास में मैंने 45 मिनट से आधा घंटा दिया होगा, आज अभी तक मैंने तुम लोगों को 1 घंटा दे दिया है, कि मैंने ऑलमोस्ट पूरा एक क्लास
केवल रेंज के ऊपर दिया है, एक क्लास से ज्यादा, क्योंकि डिफरेंशिएशन भी रेंज के लिए ही सिखाऊंगा, तो उस टॉपिक को हर समय थोड़ा केयरफुली लेना जिसमें मैं ज्यादा टाइम दे, क्योंकि मैं जानता हूं कि वहां पे स्टूडेंट्स फंसते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि वो टेक्निक का यूज ज्यादा है, इसका मतलब है कि उसका टेक्निक केवल हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री में नहीं, कल तुम्हें सीक्वेंसेस में जरूरत पड़ जाए, सर्कल में जरूरत पड़ जाए, मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस निकालने में, इसीलिए उसमें टाइम दे रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि फ्यूचर में कौन कौन से टॉपिक्स का मुझे ज्यादा जरूरत पड़ेगा, लिखना तो लिख लो। आगे चलूं, यस सर। आगे चल, लास्ट क्लास में, क्योंकि लास्ट में थे तो हमने पूरा सम सॉल्व नहीं कर पाए थे, मुझे याद आता है कि एक सम हम लोगों ने खत्म किया था, दैट इज ओन एस पोलर पोलर, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, कहां से कहां तक, माइनस रूट ओवर ऑफ ए रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पोलर फॉर्म का रेंज, दो तरीका था, एक था पोलर फॉर्म निकालना कैसे निकाला जाता है, और एक बार पोलर फॉर्म का रेंज निकालने के लिए रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करना होगा। आज के जीएमपी में एक सम है तुम्हारे पास कॉस एक्स लेके, उसे उसे पोलर फॉर्म में चेंज करने से आंसर आता है। तो यहां पे क्या क्या देखना जरूरी है, एक तो दोनों का आर्गुमेंट, मतलब समझ में, कॉस का पावर और साइन का पावर वन होना पड़ेगा, लीनियर होना पड़ेगा, मस्ट बी लीनियर। अगर लीनियर है और आर्गुमेंट इक्वल है तो तुम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते, जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं फाइन प्रॉब्लम इफ रेंज ऑफ log 2 9 cos x माइनस 12 sin x प्लस 25 डिवाइडेड बाय 5 इज ab, देन फाइंड a प्लस ट्वाइस, यहां तक लिख लोगे क्या है, 45 सेकंड का ही टाइम दे देते लिखना है। आगे चलूं, yes, क्या इसमें तुम्हें पोलर फॉर्म दिख रहा है, जब तुम पूरे सम को देख रहे हो तो तुम्हें कहीं पे पोलर फॉर्म दिख रहा है, yes, हाँ
कहां पे, ये वाला, तो यहीं से शुरू करते। मेरा कहना है कि जब ऐसा बड़ा सम होता है तो नॉर्मली मैं क्या करता हूं कि बार बार मुझे इसे लिखने का मिल जाए, कोई बहुत बड़ा भी नहीं है, चलो लिखी ले। 9 cos x - 12 sin x कहां से कहां तक, तो तुम इसलिए क्या करते हो कि मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं कि पहले a का वैल्यू 9 है, b का वैल्यू 12 है, प्लस माइनस का चिंता मत करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पहले ही निकाल के रख, कितना आ रहा है 81 + 140 कितना 15, मतलब कितना 15, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो इससे 9 cos x - 12 sin x कहां से कहां, -15 से 15 + 10 + 10 + 12 sin x + 25 कहां से कहां तक, 8 / 5 2 से लेके 8। अब मैं इतना बड़ा एक्सप्रेशन बार बार लिखना नहीं चाहता हूं, इससे मैं इसे एक नाम दे देता हूं A। अब A किसका आर्गुमेंट है, क्या A किसी का आर्गुमेंट है, देखो log 2 का, log 2 इंक्रीजिंग फंक्शन था या डिक्रीजिंग फंक्शन था, जब तुम log 2 A लगाओगे तो इनइक्वालिटी का साइन सेम था या चेंज हो जाता था, कोई बोलेगा सेम होगा, सेम रहता था, क्योंकि log 2 बेस बेस 2 है जो 1 से बड़ा है तो चेंज नहीं करेगा, तो क्या मिल जाएगा log 2 2 और यहाँ पे क्या मिलेगा log 2 8, तो log 2 2 का वैल्यू 1, log 2 8 का वैल्यू 3, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू क्या हो गया। अब डोंट गेट कंफ्यूज सर, आपने A कहाँ से ले लिया प्लीज, हाँ फॉर गॉड सेक, क्योंकि इतना बड़ा वाला टर्म मुझे बार बार लिखने का जो मन नहीं है, इसलिए मैंने उसे A से रिप्लेस कर दिया, तो 1 से लेके log 2 8 3 तक आ, तो हेंस रेंज आ गया, y का रेंज है 1 से लेके 3, जो क्वेश्चन में कह रहा है a से लेके b, तो कंपेयर करूं तो a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 3 है। डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस a एंड b, हां ये a एंड b पोलर फॉर्म का, अब मुझे a प्लस ट्वाइस b निकालना, तो a प्लस ट्वाइस b का वैल्यू 7 होगा, ये रख, किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर डेढ़ मिनट का टाइम दे रहा हूं। किसी को डाउट है कहीं पे तो बोल, आगे चलूं, एक मिनट
आगे निकलू? Yes. चलो find range of y is equal to sine pi by 4 plus theta plus 2 into cos pi by 4 minus theta. कुछ पूछूंगा तुमसे, क्या ये लीनियर है? लीनियर मैं जो पूछ रहा हूँ वो, हाँ लीनियर है? सबका पावर 1 है. क्या यहाँ पे आर्गुमेंट सेम है? नो सर. नो आर्गुमेंट सेम, मगर क्या दोनों में कोई फॉर्मूला है जिससे तुम ब्रेक कर सकते हो? यस सर. साइन ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, तो ब्रेक करो तो साइन पाई बाय फोर कॉस थीटा कॉस पाई बाय फोर साइन थीटा प्लस टू टाइम्स ऑफ कॉस पाई बाय फोर कॉस थीटा प्लस साइन पाई बाय फोर साइन थीटा. क्या लाभ? वाई इक्वल टू साइन पाई बाय फोर का मतलब वन बाय रूट टू कॉस थीटा, कॉस पाई बाय फोर का मतलब वन बाय रूट टू साइन थीटा, टू इंटू कॉस पाई बाय फोर वन बाय रूट टू कॉस थीटा प्लस टू इंटू वन बाय रूट टू साइन थीटा. तो वन बाय रूट टू तो बाहर ही है, तो कॉस थीटा कितने बार आया? एक, तो थ्री कॉस थीटा प्लस थ्री साइन थीटा, तो थ्री भी बाहर आ गया. क्या अब ये पोलर फॉर्म में आया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, हाँ या ना? यस. यहां पे ए का वैल्यू और बी का वैल्यू वन, तो रूट ऑवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट टू. तो मुझे डायरेक्टली बोलोगे y का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? बोलो ना मिनिमम वैल्यू क्या होगा, या इसका क्या वैल्यू डालोगे? मिनिमम वैल्यू इसका रेड वाले का जानते हो क्या? माइनस थ्री माइनस रूट टू, तो कहा मिलके क्या होगा? माइनस थ्री. और y के मैक्सिमम में क्या वैल्यू डालोगे रेड वाले? क्योंकि तुम तो जानते हो ना साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कहां से कहां तक लाई करेगा, ये लाई करेगा माइनस रूट टू से लेके रूट टू तक, तो ये रूट टू, तो ये रूट टू रूट टू कैंसिल करो, थ्री रेंज कहां से कहां तक है? माइनस थ्री से लेके थ्री तक. तो ये चीज को समझो, हाँ क्या क्या करना है क्या, ये तो आदि शर्मा का सीन. सर फर्स्ट स्टेप में तो आपने सर ब्रेक किया है ना? फर्स्ट स्टेप में ब्रेक किया क्योंकि आर्गुमेंट सेम नहीं था इसलिए मैंने ब्रेक कर, लीनियर तो है. आया समझ में?
आगे चलूं सर? एक मिनट, हो गया सर। आगे निकलूं? यस। फाइन रेंज ऑफ वाई इज इक्वल टू 3 + 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 6 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 8 कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो, ना तो लीनियर है ना तो आर्ग्यूमेंट तो सेम है, एक्स एक्स मैं लीनियर नहीं। कुछ सम्स करते करते तुम्हारे दिमाग में देखते स्ट्राइक करेगा, जैसे ये देखते ही तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक करेगा एक फॉर्मूला कि तुम साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हो 1 - cos2a/2। क्या फायदा लीनियर बने? साइन एक्स इंटू साइन ए इंटू कॉस ए को क्या लिख सकते हो? लीनियर बन गया। और कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो? 1 - sin² + cos2a/2। अब हम उस में आ गया जहां पे स्ट्राइक करना पड़ेगा, और वो इतना आसान नहीं है। यू हैव टू डू द प्रॉब्लम। तब इससे क्या फायदा हुआ था? वाई कैसा दिखेगा? 3 + अब साइन स्क्वायर एक्स के बदले वैल्यू 4 - cos2x/2 + 6 sin2x/2 + cos2x के बदले डाल 1 + cos2x/2। तो y इज इक्वल टू 3 + 2 - 2 cos2x + 3 sin2x + 4 + 4 cos2x। तो y इज इक्वल टू 3, 4, 5, 9 -3 sin2x + 2 cos2x। अब बोलो क्या ये देख के पोलर याद आ रहा है? क्योंकि दोनों का आर्गुमेंट क्या है? सेम। और क्या है? लीनियर है। तो √a² + b² जो होगा 3 θ 9 10 11 12 13 होगा। तो y का मिनिमम क्या होगा? डायरेक्टली बोलो ना, 9। इसका मिनिमम वैल्यू 9 - √3। ये प्लस है तब तो मिनिमम, तो 9 - √13। और वाई का मैक्सिमम क्या? 9 + √13। तो खेला खत्म। तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स कॉस एक्स देख के दिमाग में आना पड़ेगा कि तुम उसे लीनियर में कैसे चेंज कर सकते। लिखना है तो लिख लो, फिर डेढ़ मिनट का टाइम दे रहा हूँ, थोड़ा स्पीड में लिखो क्योंकि डिफरेंशिएशन भी कहा। इसे लिखो, मैं आ रहा हूं। हाँ,
हो गया, सुनने में आ रहा है? यस सर। चलो आगे चलते हैं। वन थिंग विच इज नोन एज पैरामेट्रिक सब्स्टिट्यूशन क्या है बता। तुम्हें अगर कभी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अगर दिख जाए तो ए से अगर तुम डिवाइड करोगे तो तुम इसे ऐसा लिख सकते हो। और ध्यान से देखो ये पैटर्न को, मैं फिर से कह रहा हूं ध्यान से देखो ये पैटर्न को, ये पैटर्न तुम्हारा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसका मतलब है कि तुम कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकते हो क्योंकि दोनों तो सेम है, मतलब एक्स बाय के बदले क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, एक्स बाय के बदले क्या लिख सकते हो कॉस थीटा, बात तो बराबर है ना, क्योंकि अगर ये होल स्क्वायर वन है और वाई बाय तब क्या बन रहा है साइन, मतलब एक्स को क्या लिख सकते हो ए कॉस थीटा, वाई को क्या लिख सकते हो ए साइन थीटा। तो इसका मतलब अगर तुम्हें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है तो तुम्हारा पैरामेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कहता है कि तुम एक्स को ए कॉस थीटा लिख सकते हो और वाई को ए साइन थीटा लिख सकते हो, केवल यही होने से, वरना नहीं लिख पाओ। सर क्या यूज है, अगर मैं करते हो देखो, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, फाइंड रेंज ऑफ थ्राइस एक्स प्लस फोर वाई, इसका रेंज निकाल। जब तुम ये देख रहे हो तो दिमाग में क्या पैरामेट्रिक सब्स्टिट्यूशन है, कोई बोलेगा a cos theta and y को a sin theta, किसी को डाउट है तो बोलोगे यहाँ पे कहीं तो a यहाँ पे क्या है five, यहाँ पे a क्या है five, five, इसलिए x को क्या लिख सकते हो x by five, five cos theta, five cos theta, और y को क्या लिख सकते हो five sin theta, अगर x five cos theta y five sin theta तो तुम्हारा ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा थ्राइस एक्स प्लस फोर वाई, अगर ये पुट अप कर दूं तो यही चाहिए ना, मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं तो 15 cos थीटा प्लस कितना 15 sin थीटा 20 sin थीटा, क्या कॉमन ले रहा हूं 5 को कॉमन लेता हूं तो 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा, क्या ये पोलर फॉर्म, यस यस सर, तब एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू 5 इंटू रूट ओवर ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मतलब 25, और e का मिनिमम वैल्यू माइनस 25, तो हेंस 3x प्लस 4y कहां से कहां तक लाइक करते हैं, कितना कितने आसानी तरीके से निकल गया, ये खासियत है सब कुछ, कई बार हर समय नहीं, कुछ परसेंटेज ऑफ सम्स बहुत कम परसेंटेज होते हैं जहां पे कुछ अच्छा सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो वैल्यू निकालना बड़ा आसान है। नहीं नहीं नहीं, जरूरी नहीं साइन थीटा कॉस थीटा, तुम्हें कभी ऐसा दिखे तब बोलो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, ये कौन सा पैटर्न, ट्रिग्नोमेट्री का कोई पैटर्न है इसमें छुपा हुआ, एक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, तो अगर कंपेयर करोगे तो एक्स और वाई के बदले क्या डाल सकते हो, अगर कंपेयर करोगे तो एक्स और वाई के बदले क्या डाल सकते हो, चुप हो गए ठीक, एक्स का वैल्यू दिख रहा है क्या sec थीटा और वाई का वैल्यू tan थीटा, नहीं 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 तुम ये भी डाल सकते थे एक्स को cosec थीटा भी डाल सकते थे और नहीं तो cot थीटा, क्योंकि तुम जानते हो कि cosec square थीटा माइनस cos square थीटा भी बन जाता, कुछ भी डाल सकते, इसलिए इस चीज को समझो कि अगर अब मैं तुमसे कभी बोलूं कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, फाइंड रेंज ऑफ एक्स प्लस 1, तो अब यहां पे क्या सब्स्टिट्यूट हो, अब
x के लिए तो समझ में आ गया क्या सब्स्टिट्यूट होगा, ये 3 स्क्वायर है, x क्या हो गया 3 cos theta, y होगा या y माइनस 3 हो, क्योंकि स्क्वायर के अंदर y माइनस 3, इसलिए यहां पे जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या करोगे, y माइनस 3 को ही 3 cos theta डालोगे, तो x का वैल्यू हो गया 3 cos theta, y का वैल्यू क्या हो गया 3+, आगे तो फिर ये फिर से वही वाला फॉर्म है जो मैंने अभी किया था, तो पुट अप कर देना आंसर, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, किसी को लिखना है तो लिखना शुरू करो, पैरामेट्रिक सब्स्टिट्यूशन बोलोगे तो ऊपर लेते हुए नहीं, तो ये याद रखना हाँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के टर्म में, अगर तुम होल स्क्वायर के टर्म में, जरूरी नहीं वो एक्स स्क्वायर हो, एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर भी हो सकता है, अगर तुम समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट लेके आ सकते हो, तो उसे तुम साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में चेंज करके लिख सकते हो, इसे पैरामेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। सर वो लास्ट में साइन थीटा आना चाहिए था, वाई माइनस 2, यस सर, पी साइन थीटा, आंसर बोलो सर, लास्ट वाला एकदम लास्ट में वाई माइनस 2 पी साइन थीटा आना चाहिए, थोड़ा नीचे कीजिए सर, आगे चलो सर, एक बार वो पैरामेट्रिक सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट दिखाए तो एक चीज देखना था, देखो सर स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर दीजिए ना, चलो आगे, हाँ सर बहुत देर हो गई, सर वो ऊपर वाला लिखना नहीं हुआ था, पता ठीक है लिख लो, तब
सर हो गया। चलो मगर जरूरी नहीं है कि हर समय ये फॉर्म डायरेक्ट दिया रहे। हाँ इस टाइप का लास्ट समय ये इफ x square plus y square equal to twice x plus 6y plus 20, find maximum value of x plus y. Solution. सम लिखना है तो लिख लो। चलो तुम्हारा एम है इसे परफेक्ट करने के, और वो दिख भी रहा है रे, वो दिख भी रहा है। सबसे पहले तुम्हें दिखना पड़ेगा, जैसे एक्स स्क्वायर के साथ ट्वाइस एक्स, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर का टर्म है? ये दो मुझे कुछ और चाहिए है या नहीं? Yes. अगर मैं प्लस वन या माइनस प्लस वन कर दूं तो वाई स्क्वायर और सिक्स वाई है। Yes, sir. चलो आगे चलता हूं। तो थोड़ा रीअरेंज करना होगा। मैं एक्स स्क्वायर के साथ ट्वाइस एक्स ले लेता हूं, वाई स्क्वायर के साथ सिक्स वाई ले लेता हूं। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? ट्वाइस एक्स को एक वन का जरूरत है, सिक्स वाई को नाइन का जरूरत है। टेन एक्स्ट्रा गया तो इसलिए ये थर्टी हो जाएगा ट्वेंटी के बाद। ये इसलिए क्योंकि यहां पे नाइन और वन, मतलब ये तब एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर हो गया, ये y माइनस थ्री का होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू थर्टी। क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? किसी को ज्यादा प्रॉब्लम है तो थर्टी से डिवाइड भी कर सकते हो। थर्टी से अगर डिवाइड करोगे तो रूट ओवर थर्टी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस थ्री बाय रूट ओवर थर्टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो अब बोलो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? एक्स माइनस वन बाय रूट थर्टी का वैल्यू क्या होगा? और y माइनस थ्री बाय रूट थर्टी का वैल्यू क्या होगा? इसलिए x का वैल्यू क्या हो गया? वन प्लस रूट थर्टी कॉस थीटा, और y का वैल्यू क्या हो गया? थ्री प्लस रूट ओवर थर्टी साइन थीटा। तो x प्लस y क्या हो गया? फोर प्लस रूट थर्टी कॉमन लेता हूं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो मुझे बोलोगे मुझे इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, क्या ये पोलर फॉर्म? Yes. तो x प्लस वाई का मैक्सिमम क्या होगा? डायरेक्टली बोलो ना, फोर प्लस रूट ओवर थर्टी, और इसका मैक्सिमम कितना? रूट ओवर इक्वल टू फोर प्लस रूट ओवर सिक्सटी मैक्सिमम इलाका। तो तुम्हें बनाना होगा इस टाइप से परफेक्ट, लिखना है तो लिख लो। इसके बाद अब हम जिस टॉपिक में जाएंगे उसका नाम डिफरेंशिएशन है। टाइम दे रहा हूँ तुम लोग को, बोलोगे तो नीचे लेते हुए निकल जाऊंगा, डेढ़ मिनट का लिख लो स्क्रीन में। इसके बाद जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उसका नाम डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन मैथमेटिक्स टूल की तरह पढ़ाऊंगा, मतलब सर्कल इज इक्वल टू स्टार जब बोलूंगा तो प्रूफ नहीं दूंगा कि क्यों होता है। मुझे एक मैथमेटिकल टूल की तरह चाहिए। डिफरेंशिएशन अगर सिखाने जाऊं तो मुझे पहले लिमिट सिखाना होगा, इसी साल कोर्स में बाद में सीखेंगे। तो एज अ मैथमेटिकल टूल हम लोग डिफरेंशिएशन सीखने वाले हैं, लिखना है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट पेरेंट्स को बोल देना, ठीक है? जिन लोगों ने फुल पेमेंट किया था लास्ट ईयर उन्हें तो दो रहते, सॉरी लास्ट ईयर इस साल, ठीक है? मगर मैसेज मैं ब्रॉडकास्ट करता हूँ इसलिए मैसेज सबके पास जाएगा, ठीक है? और जिन लोगों ने पेमेंट नहीं किया है वो पेमेंट कर दें, थोड़ा जल्दी पेमेंट कर देंगे तो बेटर होगा। और एक टाइम के बाद अगर पेमेंट नहीं करोगे तो मैं ऐप और वेबसाइट से नाम करवा दूंगा, अभी नहीं बाद में।
सर आगे चलूं सर हाँ बोल हाँ सर वो लाइन नंबर 9 में पीछे समझा देंगे क्या कौन सा बोलो सर वो रीअरेंज का सेकंड लाइन नहीं x स्क्वायर माइनस ट्वाइस x को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए और क्या टर्म चाहिए बोल उसको और एक कांस्टेंट नंबर चाहिए वो कांस्टेंट क्या होना चाहिए मतलब हेलो सर हैंग हो गए ये अब 2 × 1 × x वैसा बार बार लिखने से एंट्रेंस टेबल में सम्स नहीं हो पाए जैसे y square minus 6y term कहां पे मिलेगा समझ में आ रहा है क्या ये y minus 3 के होल स्क्वायर में मिलेगा सर आपका वीडियो थोड़ा हैंग हो गया बीच में ठीक है अब ठीक है सुनाई दे रहा है x square minus twice x देख के दिमाग में क्या x minus 1 का whole square आ रहा है yes sir तो x square minus 6y में अगर 2 × 3y term दे देती है तो perfect square के लिए और क्या चाहिए sir 3 चाहिए 3 नहीं चाहिए ना 3 square चाहिए तो 3 square क्या होगा 9 और 1 मैंने 10 extra add किया तो इससे 20 को मैंने 30 बना दिया okay ठीक है क्योंकि मैंने यहाँ पे 20 दिया और प्लस एक 10 ये जो एक्स्ट्रा 10 है वो 10 मैंने यहाँ पे ऐड कर आगे चलूं हाँ सर 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 आपने हाँ बोल मैक्सिमम लिखा और क्वेश्चन में तो मैक्सिमम पूछा है ना कि ओ हाँ सर सर आगे चलूं डिफरेंशिएशन एज अ मैथमेटिकल डिफरेंशिएशन क्या है क्यों होता है ये नहीं डिफरेंशिएशन का साइन होता है डी बाय डी एक्स और तुम्हें कभी भी अगर एक्स टू दी पावर एन दिखे तो इसका डिफरेंशिएशन होता है एन एक्स टू दी पावर एन माइनस ये पैटर्न है ये एन नीचे आ जाता है और ये एन माइनस वन मतलब अगर मैं तुमसे कभी डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 5 पूछूं तो क्या हो जाएगा तब इसी फॉर्मूला में यहाँ पे एन का वैल्यू 5 है 5 इंटू एक्स टू दी पावर या मैं अगर कभी कभी डी बाय डी एक्स ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ एक्स पूछूं तो इसका मतलब ये डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा एक्स टू दी पावर क्या 1/5 यहाँ पे एन का वैल्यू 1/5 तो फॉर्मूला क्या आएगा 1/5 इंटू कितना 1/5 माइनस तो तुम्हें कुछ फॉर्मूलाज याद एफ ऑफ एक्स और एफ डैश एक्स एक्स टू पावर एन का फॉर्मूला था एन एक्स टू पावर एन माइनस वन इसी लॉजिक से x को अगर डिफरेंशिएट f डैश x का मतलब डिफरेंशिएशन होता है f डैश x का मतलब dy / dx x का डिफरेंशिएशन 1 है कोई भी कांस्टेंट दिया रहेगा उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है तो डिफरेंशिएशन 0 होता है क्योंकि डिफरेंशिएट जब करते हो तो रेट ऑफ चेंज तुम्हें मिलता है log x को कभी भी डिफरेंशिएट करोगे बेस ही होना जरूरी है वो 1/x e टू दी पावर एक्स को कभी भी डिफरेंशिएट करोगे तो वो e टू दी पावर एक्स होगा और a टू दी पावर एक्स को कभी भी डिफरेंशिएट करोगे तो e टू दी पावर एक्स log e a मतलब अगर अब मैं तुमसे कभी पूछूं d बाय डी एक्स ऑफ 3 टू दी पावर एक्स क्या होगा तो कोई बोलेगा थ्री टू दी पावर एक्स log e 3 ln मतलब उसे ln 3 बोल सकते यहाँ तक लिखना है तो लिखो एक एक पेज करके लिखते हैं कुछ डाउट है तो पूछो कहीं भी डाउट है तो पूछोगे फिजिक्स में करवाया गया होगा डिफरेंशिएशन वहां पे भी अगर डाउट है तो वो डाउट को यहाँ पे भी क्लियर कर सकते हैं
बस डिफ्रेंसिएशन क्या चीज है वो नहीं अभी बता पाऊंगा, मुझे एज अ टूल चाहिए। तो मतलब मैं फैक्ट की तरह तुम्हें बता रहा हूँ कि, और क्यों बता रहा हूँ तुम्हें समझ में आ जाए। परफेक्ट स्क्वायर नहीं करके तुम यहां से भी रेंज निकाल सकते हो, मुझे बस रेंज के लिए जरूरत है, मुझे और कोई जरूरत नहीं है। मुझे रेंज मैक्सिमम और मिनिमम निकालने में मैं डिफरेंशिएशन का यूज करना चाहता हूँ। लिख दिया सर 14 वाला लाइन क्या लिखा आपने? y इक्वल टू f(x), ये f(x) करते हैं, ये टेबल बना दिए, तो f'(x) उसका क्या क्या आगे चलूं? यस सर। चलो तो दो रिजल्ट जाने, अगर प्लस माइनस है तो अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सेकेंड, कोई कांस्टेंट अगर दिया रहता है लैम्डा इनटू यू, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल के डी यू बाय डी एक्स कर सकते मल्टीप्लिकेशन में अगर, तो इसीलिए अगर अब मैं तुमसे कभी पूछूं फाइंड डी बाय डी एक्स ऑफ 3x² + 5 log x, बेस अगर नहीं दिया रहेगा तो कैलकुलस में बेस ई हो, तो अगर अलग अलग करोगे तो क्या हो जाएगा, सी बाहर निकल जाएगा, किसको डिफ्रेंशिएट करोगे एक्स स्क्वायर को, और फिर बाहर क्या निकल जाएगा 5, किसको डिफरेंशिएट करोगे लॉग एक्स को, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या था ट्वाइस एक्स, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था 1 by x। मतलब मैं अगर कभी पूछूं कि डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 by x का होल क्यूब को डिफरेंशिएट करो, डायरेक्टली नहीं कर पाऊंगा। यहाँ ये नहीं कि 3x + 1 by x का होल उसका लगा दो तो आंसर आ जाएगा, उसे चेन रूल कहते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, कर सकते हैं मगर एक्स्ट्रा कुछ करना तो ऐसे में इस बेटर की ब्रेक कर दी, तो x³ + 3x² × 1 by x, तो x + 3x × 1 by, तो x³ - 1 हो जाएगा +3 + x³ - 3। अब इंडिविजुअली सबको डिफरेंट ब्रेक कर दो, क्या होगा डायरेक्टली लिखोगे, ये 3x² हो जाएगा, ये 3 तो बाहर आ जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन क्या था 1। अरे x का डिफरेंशिएशन क्यों 1 था समझ में आ रहा है ना, x³ = 1, तो ये क्या होगा 1x³ - 1, 1 × x³ = 0, मतलब क्या 1। x³ - 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा -x³ - 2, x³ - 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा -x³ - 4, x³ वाला फॉर्मूला लगा केला खत्म। मगर तुम्हें साथ में कुछ और भी फॉर्मूलाज याद रखना पड़ेगा, तुम्हें साथ में कुछ और भी फॉर्मूलाज याद रखना होगा, f(x) और f'(x), sin x का फॉर्मूला डिफरेंशिएशन cos x होता है, cos x का डिफरेंशिएशन -sin x होता है, और tan x का डिफरेंशिएशन sec²x। वैसे ही फिर f(x) और f'(x), sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x होता है, cosec x का डिफरेंशिएशन -cosec x cot x होता है, और cot x का डिफरेंशिएशन -cosec² x होता है। लिखना है तो लिख लो, कहीं डाउट है तो पूछो, 2 मिनट का टाइम दे। सर वो लाइन नंबर 15 में 3x कैसे आया?
क्यों ये इसे मैंने ब्रेक चाहिए प्लस बी होल क्यूब में. ओके सर. आया समझ में? यस सर. मतलब एक स्टेप मैंने स्किप किया है ठीक है कि डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वन बाय एक्स के होल क्यूब के लिए पहले डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वन बाय एक्स थ्री इंटू एक्स इंटू वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स क्यूब. तो डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस थ्राइस एक्स प्लस थ्री एक्स क्यूब पर माइनस वन एक्स क्यूब पर माइनस थ्री और अब डिफरेंस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इंटू वन प्लस थ्री इंटू माइनस एक्स क्यूब पर माइनस टू माइनस थ्री एक्स क्यूब पर माइनस. सर थोड़ा नीचे कीजिए. सर थोड़ा स्कोर कीजिए ना सर. हाँ बोलो क्या. थोड़ा नीचे लिख दीजिए. आगे चलूं? सर एक मिनट. किसी को डाउट है कहीं पे? वो क्लियर हो जाएगा. ये सम करोगे एक बार. ये चार सम है, ये चार सम ट्राई करो. चलो आगे. ये चार सम ट्राई करो एक बार. बोलते जाओ क्या आंसर निकला. वन का बी होगा. वन का B. B. A. B. बाकी लोग का भी निकलेगा तो बोलते जाओगे जितने लोग का निकल रहा है सुन के एडजस्ट मुझे पता चले. टू का A. सर थ्री का भी ए होगा. बाकी लोग का आया कुछ? हाँ बोल. बिल्कुल बोल रहा था.
सर फोर का बी होगा फोर का बी सर फोर का बी सर फोर का बी ठीक वन टू थ्री फोर किसी को डाउट है तो प्लीज बोलोगे डाउट है तो प्लीज बोलोगे ये दिया इसलिए गया ताकि वो डाउट खत्म हो जाए किसी को डाउट है वन का सबका आंसर आया यस सर मैं और एक मिनट का टाइम ले रहा हूं यहीं पे कर लो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू रफ वर्क की तरह करो हर समय फेयर वर्क की तरह एकदम सुंदर लिखने का जरूरत है ना ट्वाइस एक्स प्लस माइनस टू एक्स टू पर माइनस थ्री ट्वाइस एक्स माइनस टू बाई एक्स टू कितना देर लगा तुम बोला सर इतना स्पीड में नहीं हो सकता अरे क्यों नहीं होगा यार क्या ये क्या है बस एक्स टू पर माइनस कुछ थोड़ी ना रेंज थोड़ी ना निकालना डिफरेंस ही कुछ करना आगे निकलो यस सर अब मल्टीप्लीकेशन होने से क्या होता है तो मल्टीप्लीकेशन होने से क्या होता है ना कि दो रूल लगता है यूवी रूल के पहले यू को डिफ्रेंशिएट करो और वी को छोड़ दो वी को डिफ्रेंशिएट मत कर देना प्रूफ है ना ये सबका ऐसा नहीं है अब यू को छोड़ोगे वी को डिफ्रेंशिएट करो नहीं तीन होने से भी एक टाइम में एक डिफरेंशिएशन एक टाइम में एक डिफरेंशिएशन मतलब पहले यू को डिफरेंशिएट करोगे तो वी और डब्ल्यू छूटेगा अब यू और डब्ल्यू को छोड़ोगे तो वी को डिफरेंशिएट करोगे और अब यू और वी को छोड़ोगे तो डब्ल्यू को डिफरेंशिएट करोगे तो एक टाइम में एक डिफरेंशिएशन मतलब डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होगा पहले किसे डिफरेंशिएट करो x dx by x ये तो कैंसिल होके वन भी हो जाए प्लस अब x को छोड़ोगे तो किसको डिफरेंशिएट करो cos x ये तो वन इंटू cos x हो जाएगा प्लस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस माइनस तो ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा किसी को लिखना है तो लिख बिलीव मी नेक्स्ट क्लास पहला आधा घंटा अगर समझ में आ गया आधा घंटा या जितना भी लगे 45 मिनट डिफरेंशिएशन से मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकलते हैं आज का जो मैंने डेढ़ घंटे तक तुम्हें पढ़ाया है उसमें से तो एटलीस्ट तीन टाइप के सम्स को तुम एक दो मिनट के अंदर ही सॉल्व करते आगे निकलो मैं टाइमर देना भूल गया था ठीक है मैं 45 सेकंड का टाइम दे आगे चलो हो गया और एक लास्ट आज का डी बाय डी एक्स ऑफ यू बाय वी होने से ये तरीका है हाँ न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को स्क्वायर करो डिनोमिनेटर को छोड़ो न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो न्यूमरेटर को छोड़ो डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो प्रूफ है ये सब का ये तो यूवी ऊपर वाले से ही आ जाएगा यू इंटू वन बाय वी अगर लिख लोगे मतलब अगर मैं तुमसे कभी पूछूं डी बाय डी एक्स ऑफ नीचे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और ऊपर साइन एक्स तो क्या होगा नीचे
sin x x square plus x का होल स्क्वायर ऊपर x square plus x square cos x आपका वॉइस नहीं आ रहा पीछे वॉइस ब्रेक हो रहा है अब आ रहा है Yes, sir. X square का differentiation twice x. X का differentiation one divided by x square plus x का whole square. खेला खत्म. किसी को लिखना है तो लिख लो. Doubt है तो पूछो. लिख क्या बोल देना फिर हो गया आगे चलो यस सर यस सर चलो तो भैया ये करके दिखा दो फिर छुट्टी हो जाए तुम लोग का भी चार शाम में पेरेंट्स को फीस पे करने के लिए बोल देना सर आपने आज अटेंडेंस लिया क्या नहीं वो बाद में मेरा लैपटॉप अभी यहाँ पे है तो इसलिए आज छोड़ दिया सर फर्स्ट का ए होगा फर्स्ट का ए किसी को डाउट डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर लॉग एक्स तो क्या करोगे पहले किसको डिफरेंशिएट करोगे x स्क्वायर को तो log x छूट जाएगा फिर x स्क्वायर किसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिला x स्क्वायर के लिए twice x log x plus x स्क्वायर log x के लिए क्या 1 by x एक कॉमन लेके देख लेंगे सेकंड में तीन टर्म है एक एक करके डिफरेंशिएट करो क्या आया नंबर टू का टू का आंसर सर ऑप्शन सी
चलो ठीक है, डाउट है किसी का? यस सर, तुम्हारा ब्लैक मोबाइल दिया। हाँ, मुझे बोलना होगा डाउट क्या है तुम लोगों, मेरा मोबाइल का चार्ज खत्म हो गया, तो रुक जाओ। चलो ठीक है, निकल सकते हो, जो लोग निकलना है। डाउट किसी का है बोलो, कौन से क्या डाउट है बोलो सर। हाँ सर, वो सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए कितना फीस था? 8000। ओके ये मोबाइल ऑन होने से दो मिनट रुको, मेरे मोबाइल में चार्ज नहीं। यूट्यूब एक्सटेंशन में मोबाइल दीजिए ना, यूट्यूब एक्सटेंशन दीजिए ना, या तो लगा देंगे। डाउट बोलो तो ठीक है, टीपीएस का डाउट है कि क्या डाउट है बोलो, मैं निकाल के ना। मुझे तो मोबाइल ऑन नहीं होता तब तक तो। हाँ टीपीएस या कहाँ का डाउट है, डाउट है किसी का सर? हाँ बोल सर, वो आपने वो डॉटेड लाइन क्यों दिया था, मतलब 4K 2K आंसर में कहाँ पे सर? टीबीएस का क्वेश्चन नंबर 4, उसे ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। मतलब अगर हम एफ ऑफ एक्स का ग्राफ जानते हैं ना, सपोज एक इजीएस्ट, ये सपोज मैं जानता हूँ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, हाँ ये लाइन x इज इक्वल टू 3 है, तो मुझे अगर कभी भी y इज इक्वल टू सपोज एफ ऑफ एक्स माइनस ए का ग्राफ पूछेगा ना, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, 3 को मैं रिप्लेस कर दूंगा 3 प्लस ए में, और ग्राफ ऐसा हो जाएगा। समझ में आया? हाँ। ये शिफ्ट कर दिया जाता है, तो इसीलिए y इज इक्वल टू साइन एक्स का जो ग्राफ है, वो जो ग्राफ होता है साइन एक्स का ग्राफ ऐसा था, और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यहां से बस शुरू करते हो ना, तो वही अगर y इज इक्वल टू साइन, अगर तुम्हें कभी x माइनस पाई बाय 6 मिला,
सुनने में आ रहा है? हाँ सर। यस सर। तो ठीक है, तो ये ना, ये जो ना ये शिफ्टिंग है, ये ट्रांसफॉर्मेशन मैं कराऊंगा, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कराऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है? तो इसीलिए ये लाइन दिया रहता है वहां पे। हम बहुत इजीली, मतलब हमें ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है, मतलब मैं बहुत, तुम अगर मुझे कभी अब ग्राफ बनाने के लिए बोलोगे सर साइन ऑफ जैसे पाई बाय थ्री माइनस एक्स, मैं वो काम नहीं करूंगा, मैं ट्रांसफॉर्मेशन लगा दूंगा यहाँ पे, ये साइन एक्स का ग्राफ बनाऊंगा, फिर साइन ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ बना दूंगा, फिर पाई बाय थ्री माइनस एक्स का ग्राफ बना दूंगा। तुम लोग भी बना पाओगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिखाऊंगा, इसलिए कल मैंने कहा था कि अभी पूछ ले इसको। कुछ और डाउट है किसी का? यस सर, समय भेजो आपको। भेज, मेरा मोबाइल ही ऑन नहीं हो रहा है, बोल मुंह से बोल तो एक बार। सर हाँ एक सेकंड। सर साइन फाइव ए इक्वल टू फाइव साइन ए ट्वेंटी साइन क्यूब ए। समझ में आ गया, 5a को तुझे a के टर्म में लाना है, तो साइन 5a को क्या लिख सकती है, 3a प्लस ट्वाइस है, नहीं क्या? ट्वाइस है हाँ। तो इसका मतलब इसे क्या लिख सकती है, साइन ट्वाइस है, कॉस ट्वाइस है, कॉस प्लस। समझ में आ रहा है, बस ये नहीं कि सॉल्यूशन मत समझ, समझ में आ रहा है क्या करना है मुझे, 5a को कुछ करके a के टर्म में लाना है, तो अब साइन ट्वाइस का कोई फॉर्मूला था क्या? हाँ, थ्री साइन ए माइनस क्या, फोर साइन क्यूब ए। कॉस ट्वाइस का कोई फॉर्मूला था क्या, वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए। कॉस थाइसे का कोई फॉर्मूला था क्या, फोर कॉस क्यूब ए माइनस थ्री कॉस ए इंटू साइन थाइसे का कोई फॉर्मूला था क्या, टू साइन ए इंटू क्या, कॉस ए। ये तो ब्रेक कर सकती है, पूरा ब्रेक कर सकती है इसको। हाँ यहाँ पे क्या कर, कि यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, तो फोर कॉस स्क्वायर ए माइनस थ्री, तो कॉस ए कॉमन लेने से ये कॉस तो इसके साथ मिलेगा ना रे, तुझे साइन के टर्म में चाहिए, इसलिए कॉस स्क्वायर को क्या लिखेगी, फिर से तुम, फिर से मगर एक ही चीज बोलूंगा, क्यों कर रहा हूँ ये समझ, आया समझ में? हाँ सर। ठीक है चल सर। हाँ क्या मैंने क्या, ये नहीं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे सबको किसके टर्म में, साइन ए के टर्म में चाहिए, तो मुझे वो कोशिश कर रहा हूँ। और कुछ है किसी का, मोबाइल में भेज सकते हो अब? हाँ मेरा मोबाइल ऑन हो गया। हाँ सर, हाँ सर, मेरा क्वेश्चन नंबर सर एक्चुअली मेरा क्वेश्चन नंबर नाइन का वन और टू बोलते जा, सुन रहा हूँ मैं टीबीएस निकाल रहा हूँ, तू बोलते जा। हाँ सर, सर मेरा नंबर नाइन का वन और टू में डाउट था सर। नाइन का, तो नाइन का वो जो वन और टू था इसलिए स्क्वायर वाला सम है ना, इसलिए डाउट था, क्योंकि मैंने करवाया नहीं था, आज करवा दिया। थ्री प्लस साइन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, थ्री प्लस, अब ये साइन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर है, तो साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, माइनस वन से वन तक, तो साइन एक्स माइनस टू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, माइनस थ्री से लेके माइनस वन, क्या ये जीरो कंटेन करता है, नहीं, तो स्क्वायर करोगे तो मगर कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, माइनस, इट डज नॉट कंटेन जीरो रे, इसके अंदर जीरो नहीं है। हाँ कंटेन, तो माइनस वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन, और थ्री का स्क्वायर क्या हो जाएगा, नाइन। आगे छोड़ दूं, समझ में आया? हाँ सर। ठीक है सर, उसके बाद नाइन का बी, बी वाला तो कॉस ट्वाइस एक्स है प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, तो कॉस ट्वाइस एक्स को क्या लिख सकते हो, वन माइनस, सॉरी क्या लिख सकते हो, टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसे क्या लिख सकते हो, थ्री कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, तो अब कॉस स्क्वायर एक्स कहां से कहां तक लाई करता है, मगर कॉस स्क्वायर एक्स, श्री जो है बोलोगे जीरो से लेके वन तक है या नहीं, तो थ्री कॉस स्क्वायर एक्स कहां से कहां तक लाई करेगा, जीरो से थ्री तक,
तो थ्री कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन कहां से कहां तक लाई करेगा? माइनस वन से माइनस छोड़ दू, सॉरी टू तक हो गया तेरा. और किसी ने भेजा है? हाँ सर मैंने भेजा. इसमें तो कोई एक कराने से हो जाएगा. हाँ सर. कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस साइन वाई का होल स्क्वायर. तुझे इसमें वन दिख रहा है? वन वन आना दिख रहा है? वन आएगा कभी ब्रेक करने से? वो पकड़ पा रही है ब्रेन में, ऑब्जर्व कर. वो करने से क्या फायदा होगा? ये तो ये हो गया. इस साइड क्या हुआ? क्या वन दिख रहा है कहीं पे? पहले ये बोल. हाँ सर. सर cos square x and sin square x one 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 एक हो गया. और वन दिख रहा है? हाँ सर cos square y sin square y. तो टोटल दो बार वन आ गया, तो ये टू हो गया नहीं क्या? और इसमें क्या कॉमन ले सकती है? cos x cos y plus two sin x sin y. तो ये फॉर्मूला था cos x minus y का. टू कॉमन ले लेता हूँ, वन प्लस कॉस एक्स माइनस वाई. कुछ दिखा? वन प्लस कॉस थीटा का एक फॉर्मूला था, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय. उस लॉजिक से वन प्लस कॉस एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा? टू कॉस स्क्वायर आर्गुमेंट का आधा कितना? क्या ये समझ में आ रहा है? यस सर. आगे चलूं? ये वाला? हाँ सर. सर इसको मैंने थ्री ब्रेक कर दिया था. क्या आया? कैसे ब्रेक किया था? मतलब ये तो साइन, ये तो एलाइड एंगल में आ जाएगा ना. हाँ हाँ हाँ. साइन थ्री पाई बाय टू माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा? माइनस कॉस अल्फा हो जाएगा, नहीं क्या? मगर पावर फोर है इसलिए ये क्या हो जाएगा? कॉस थ्री पावर फोर अल्फा. ये समझ में आया? यस सर. ये माइनस साइन अल्फा होगा मगर पावर फोर है तो साइन टू दी पावर फोर अल्फा माइनस टू कॉस सिक्स टू पावर अल्फा कॉस सिक्स टू दी पावर. तो आज आज मैंने कुछ कहा था ये a क्यूब प्लस b क्यूब ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला में आएगा. समझ में आया? हाँ सर. ये क्यों कर रहा हूं? ये करके क्या फायदा हुआ? इसका फॉर्मूला हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर माइनस थ्री. माइनस छोड़ दूं? हाँ सर. ट्राई करेगी? एक बार ट्राई करके देख, नहीं होने से बोल. किस कोई और है डाउट में? ठीक है चल.